हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 117 हमसे कहता है, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको प्यार करने वाला, हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भरने वाला प्रभु आज हमारे बीच में है। आज यीशु ने फिर से हमें एक मौका दिया है उसके सानिध्य में आने का। ये पल है उसकी स्तुति करने का, उसकी महिमा करने का, उसकी आराधना करने का। यह सुंदर सृष्टि जो प्रभु का दिया हुआ एक सुंदर वरदान है, आज उसमें उपस्थित हर एक वस्तु, कलकल करती नदियां, पेड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, छोटे बड़े जीव जंतु और सभी प्रकार के फूल पौधे उस प्रभु का गुणगान करती है, उसके नाम को भजती है, उसको धन्यवाद देती है। हमारे प्रभु ने इन सब की सृष्टि बड़े ही प्यार से की है। अपने एक शब्द से प्रभु ने पूरी दुनिया को रचा है। आज हम उस दयालु प्रभु के सानिध्य में हैं, जिसने हम पर इतनी दया बरसाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए और उसी क्षण उस शब्द के द्वारा पूरी दुनिया में प्रकाश फैल गया, और प्रकाश की आते ही अंधकार इस दुनिया से पूर्ण रूप से लुप्त हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितनी सुंदर सृष्टि की रचना आपने की है, वो प्रभु कितना दयालु है जिसने सब कुछ हम सभी के लिए दिया है। ईश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तु का निर्माता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर ने सब कुछ का निर्माण किया, आकाश, पृथ्वी, फलदार वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, तारे और नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, और यह उसे बहुत ही अच्छा लगा। पृथ्वी बहुत ही सुंदर नजर आने लगी। जब ये सारी चीजों का सृष्टि हो गया, सृजन हो गया, तब प्रभु ने सोचा इसका उपयोग करने के लिए क्यों ना मैं मनुष्य को बनाऊं? और उसी क्षण उसने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु को फूंक दिया और वह मनुष्य एक सजीव प्राणी बन गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और ईश्वर ने चाहा कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है उस पर मनुष्य का अधिकार हो, मनुष्य उन सभी चीजों का उपयोग अपने लिए करे। कितना दयालु है हमारा प्रभु कि उसने कितना सोचा कि ये सारी चीजें मनुष्य अपने उपयोग में लाए। yes, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसने उस प्रभु के प्रेम को नकार दिया और उस प्रभु से दूर होता चला गया। yes, अपने कार्यों से, अपने वचनों से, सांसारिक प्रलोभनों में पढ़ करके वो हर एक बात को भूल गया और वो पाप की जाल में फंस गया। yes, और वह प्रभु की दया से वंचित हो गया। फिर भी हमारे प्रभु कितना दयालु है, जब उसने देखा कि मनुष्य इस प्रकार उससे दूर हो रहा है, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। जिसका सृजन उसने किया है वह मनुष्य उससे दूर हो रहा था। प्रभु यही चाहते थे कि हम सब उसके निकट बने रहें। हमारा प्रभु बहुत ही दयालु है, वह करुणामय है। वह आज भी हमसे यही कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिस प्रकार से
वह उड़ाओ पुत्र का पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा मेरे पास में लौट के आएगा। हम भी सांसारिक प्रलोभन में पड़ करके अपने प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज वो मौका है उस दयालु प्रभु के पास पुनः लौट आने का। उस वो दया सागर प्रभु हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करेगा और हमें अपनी दया और अपनी आशीष कृपाओं से हर एक पल हर एक क्षण भरपूर करता रहेगा। हमारा प्रभु वो दयालु गड़ीरिये के समान है, भले गड़ीरिये के समान है, जब 100 भेड़ों में से यदि एक भी भेड़ उससे दूर हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, तब वो अपने 99 भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ के पीछे चला जाता है। कितना महान है उस दयालु प्रभु का प्रेम कि जो एक भेड़ के लिए निकल पड़ता है उसके लिए तरसता है कि मेरी भेड़ कहाँ चली गई है। आज वही प्रेम हमारे प्रभु हम पर दर्शाता है कि हमने उसे इतना दुखित किया है, उसकी भलाई को उसकी करुणा को हम क्यों भूल जाते हैं कि उस प्रभु ने हम पर बरसाई है। प्यारे विश्वासियों, आज हम उसकी भलाई के लिए उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु बहुत ही करुणामय है, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम सब मिल करके इस गीत के द्वारा उस पिता को धन्यवाद दे, उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए जो वो सदा हम पर बरसाता है। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, अध्याय 113 पद संख्या 13 और 14 हमसे कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। हाँ प्रभु यीशु, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपने इतनी करुणा बरसाई है हम सभी पापियों पर कि आप उस स्वर्ग को छोड़ करके आए, इस दुनिया में आए ताकि मेरा पतन ना हो, मेरे परिवार का पतन ना हो, बल्कि मेरे जीवन में आपकी दया और करुणा निरंतर बरसती रहे। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों के जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीजें देने की कोशिश करते, आज वो प्रभु हमें अपने जीवन में हर एक श्रेष्ठ बातों को देता है। धन्यवाद दी, अपनी निगाहों को प्रभु की ओर करें, धन्यवाद का भेंट उसके आज चढ़ावे, क्योंकि हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु को। इस क्षण हम उसकी स्तुति करें और उसके वो निहारते और कहें, दयालु ईश्वर मैं आज आपके पास आया हूँ, अपनी दया बरसा प्रभु यीशु, अपनी करुणा बरसा प्रभु यीशु, अपनी दया बरसा। हम अपने हाथों को उठाते हुए उस दयालु प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, दयालु यीशु की स्तुति करें। रोशन कहता है, तक अपनी दया बरसा हम पर, अपनी करुणा बरसा प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप हमारी चट्टान है प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु आपने हर पल हमारी मदद, आपको धन्यवाद दीजिए। बीते युगों में हमारी चट्टान ढाल बना, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरी भलाई।
को धन्यवाद दी उसके अनुग्रह के लिए, उसके कृपा के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह सदा हम पर बना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, इसी प्रकार से आप हमारे साथ में रह करके प्रभु यीशु हर संघर्ष में हमारे साथ में रहिए। प्रभु यीशु हम आपके साथ जुड़ करके उस फलदायी वृक्ष के समान बनना चाहते हैं। यीशु दया कर, यीशु दया यीशु अपने अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु यीशु दयालु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, दयालु यीशु की हम स्तुति करें उसे। धन्यवाद नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 हमसे कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आइए हम उस जीवनदायी वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें।